आगे 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 फिर बाद में आगे फिर आगे आप बैठे रहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المرسلين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المحسنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم الله إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الصلوات على محمد وعلى अज़ान वक्त परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने किताब के वारिस को पहले ही मुअय्यन कर लिया और इस दीन का वारिस इस्लाम का वारिस किताब का वारिस कौन है खुद मासूमीन अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बता दिया। खुद रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो पहला जुमला तो वाज़ेह है कि हुसैन मुझसे है यानी हुसैन नाना से है, लेकिन दूसरा जुमला कि मैं हुसैन से हूँ। तो देखिए इंसान इस दुनिया में जो काम करता है जो अमल करता है तो इंसान चाहता है कि उसका काम बाकी रहे और उसका नाम भी बाकी रहे। लिहाजा रसूल इस्लाम को मालूम था कि रहलत के बाद हमारा नाम भी मिट जाएगा हमारा काम भी मिट जाएगा और हमारे नाम को और हमारे काम को जो बाकी रखेगा तो वो मेरा नवासा हुसैन होगा। यानी 3 शाबान से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से हैं और 61 हिजरी के बाद सुबह क़यामत तक रसूल हुसैन से हैं। या मुख्तसर यूँ कह दिया जाए कि इस्लाम अपने वजूद में मुहम्मदी है और बका में हुसैनी है। अब आप देखें कि रसूल इस्लाम ने बताया कि देखो हुसैन इब्ने अली की अजमत क्या है, हुसैन इब्ने अली की फजीलत क्या है। न सिर्फ ये कि उस दौर में जितने असहाब थे उन्हें भी मालूम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत क्या है, खुद जो है अपने अमल के जरिए भी वाज़े किया। जैसा कि खलीफा दौर के दौर में जब इन्होंने तकसीम करना शुरू किया तो अपने बेटे अब्दुल्ला को 200 दिरहम दिया और इमाम हसन को 1000 दिया, इमाम हुसैन को 1000 दिया। जब 1000 दिया तो जाहिर सी बात है कि बेटे ने सवाल किया कि बाबा आप जो है हमें 200 दे रहे हैं, हसन को 1000 दे रहे हैं, उन्हें 1000 दे रहे हैं हसन और हुसैन को, लिहाजा आपको तो ये चाहिए था कि हमें ज़्यादा देते और अगर ज़्यादा नहीं भी दिया तो कम से कम जो है हमें बराबर देते, उन्हें 1000 दिया उन्हें 1000 दिया तो हमें भी 1000 देते। तो फौरन उन्होंने जवाब दिया कि अगर हुसैन जैसे तुम होते तो तुम्हें भी देते, जैसा हुसैन का नाना है वैसा किसी का नाना है, वैसा नाना लाओ जैसा हुसैन का बाप है वैसा बाप किसी का नहीं, जैसा हुसैन की मादरे गिरामी है वैसी माँ किसी की नहीं, जैसा हुसैन के चचा है वैसे चचा किसी की नहीं, अगर ऐसे होते तो हम देते। तो मालूम ये हुआ कि असहाब भी वो हुसैन की अजमत को जानते थे लेकिन उम्मत ने हुसैन इब्ने अली की अजमत को भुला दिया। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यानी खुतबे के दौरान खुतबे को मुनक़ते करके बता दिया कि देखो हुसैन की क्या अजमत है। इमाम रसूल इस्लाम चाहते तो किसी से भी कह देते, साहब मौजूद थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आते हैं और अबा से पाँव उलझा, खुद रसूल इस्लाम खुतबा को छोड़ते हैं फौरन आते हैं, आने के बाद इमाम हुसैन को उठाते हैं मिंबर पे आए और मिंबर पे जो वास कर रहे थे अब इमाम हुसैन को लाते और लाने के बाद ये कहते देखो इसे पहचान लो कि ये मेरा हुसैन है। उस मजमे में कौन ऐसा था कि जो इमाम हुसैन को पहचानता नहीं था, सब पहचानते थे इमाम हुसैन को।
लेकिन इमाम हुसैन ये बताना चाहते थे कि देखो ये मेरा नवासा है, हुसैन है, पहचान लो, देखो मैं खुतबा दे रहा हूँ, खुतबा को तर्क करके मैं हुसैन की फजीलत को बयान कर रहा हूँ, उनकी अजमत को बयान कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से रसूल इस्लाम इमाम हुसैन की अजमत को बयान करते थे, उसी तरीके से हम भी मजलिस में अहले बैत की अजमत और फजीलत को बयान करते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि मजलिस हुसैन में सिर्फ जो है ये अहले बैत का जिक्र करते हैं, नहीं, रसूल जो है खुद खुतबा को तर्क करते हैं और हुसैन का तारुफ करा रहे हैं। अब आप देखिए कि ऐसा भी मौका आता है कि रसूल इस्लाम सजदे में है, नमाज की मेराज, नमाज तो मोमिन के लिए मेराज है, लेकिन नमाज की मेराज सजदे में और सजदा है, और साहिब मेराज सजदे में है, और उसकी पुष्ट पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि फुरादा नमाज हो रही थी, ऐसा भी नहीं कि रसूल इस्लाम घर में नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, बाजमात नमाज हो रही थी और इमाम हुसैन आते और आने के बाद रसूल इस्लाम की पुष्ट में बैठ जाते हैं। अब जब पुष्ट में बैठते हैं तो फौरन जो है जनाब जिब्रील आए, और आने के बाद ऐसा नहीं किया है ना कि इमाम हुसैन को एक तरफ बिठा दिया, बल्कि इमाम हुसैन से कुछ नहीं कहा, रसूल इस्लाम से कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, परवरदिगार का ये हुक्म है कि जब तक हुसैन खुद पुश्त न उठ जाए आप अपने सर को न उठाइएगा। जहां एक मरतबा तीन मरतबा सुभान रब्बी अलआला व हम्द कहते थे, वहां जो है 70 मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा, यानी बता दिया कि देखो हुसैन जो है सजदे की हालत में अगर पुश्त पे आ गए तो नमाज में कमी नहीं है और ज्यादा इजाफा ही होगा। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले, ये जो है हुसैन इब्ने अली की अजमत और फजीलत है कि कभी जो है सजदे को तोड़ देते हैं रसूल इस्लाम, कभी खुतबे को मुनक़िते कर देते हैं, यहाँ तक कि जब ईद का मौका आता है और बच्चे सवाल करते हैं कि बाबा सबके लिए जो है ऊँट है रहवार है और हमारे लिए नहीं, तो रसूल इस्लाम ने क्या फरमाया, कहा कि बेटा तुम्हारे लिए भी नाका है। अब जब घर के बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर आते हैं, क्या देखते हैं, कोई ऊँट नहीं। फौरन सवाल किया कि नाना आपने तो कहा था कि हमारे लिए नाका है, यहाँ तो कोई नाका मौजूद नहीं है, और खुद रसूल इस्लाम जो है नाका बन जाते हैं। देखो हुसैन इब्ने अली की अजमत कि खुद रसूल इस्लाम हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए नाका बन रहे हैं और खुद कहते हैं कि सवार हो जाए, एक दोस्त पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम सवार है और दूसरे दोस्त पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार है। अब जो है इमाम सवाल कर रहे हैं नाना से, ये कह रहे हैं कि नाना नाका के मिहार होती है, मिहार तो है नहीं। अब रसूल इस्लाम एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में दे रहे हैं और एक तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में देते हैं। अब आप देखिए, आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आप दो बच्चों को लेकर है ना बाजार में निकले, है ना, दो बच्चों को लेकर बाजार में निकले या फिर दो बच्चों को लेकर यहाँ पे जाए, तो अभी जो है एक बच्चा ये कहेगा कि बाबा इस जमीन पे चलिए, है ना, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं वहां शरबत है वहां चलिए, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं यहाँ नजर है यहाँ चलिए, तो मालूम हुआ कि एक बच्चा कहेगा आप इस सबील पे जाइए, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं उधर सबील है उधर जाइए, एक बच्चा कहेगा इधर जाइए, एक बच्चा कहेगा उधर जाइए। तो क्या रसूल इस्लाम को मालूम नहीं था एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में है, दूसरे तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में है। हो सकता है कि मदीने के गली में इमाम हसन कहे नाना इस तरफ चलिए, इमाम हुसैन कहे नाना उस तरफ चलिए, लेकिन नहीं, रसूल इस्लाम को मालूम था कि जो हसन की मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है, जो हुसैन की मर्जी है वही हसन की मर्जी है, जो इन दोनों की मर्जी है वो रसूल की मर्जी है, जो रसूल की मर्जी है वो अल्लाह की मर्जी है। सलावत पढ़ दे, मालूम था कि जो हसन और हुसैन की मर्जी है वही मेरी मर्जी है, जो मेरी मर्जी है वही परवरदिगार की मर्जी है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से जो है रसूल इस्लाम इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम का तारुफ करा रहे हैं, उनकी अजमत को बयान कर रहे हैं, उनकी फजीलत को बयान कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये मौका भी आ गया, यानी परवरदिगार को ये गवारा नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल जाए, क्योंकि जब ऐसा मौका आया कि रसूल इस्लाम मस्जिद में बैठे हुए हैं और एक शख्स जो है वो हिरन का बच्चा लाया और लाने के बाद हदीये के तौर पे रसूल इस्लाम की खिदमत में पेश करता है, तो उस वक्त इमाम हसन मौजूद थे, रसूल इस्लाम ने इमाम हसन को दे दिया। अब इमाम हसन जो है वो हिरन का बच्चा लेके घर पे आते हैं, फौरन इमाम हुसैन ने सवाल किया, तो भाई आपको किसने दिया,
تو امام حسن نے کہا کہ نانا جان نے دیا، ہمارے جن نے دیا، اب امام حسین گھر سے نکلے کہ نانا کی خدمت میں جائیں اور جانے کے بعد سوال کریں۔ جیسے گھر سے نکلے کہ اب ادھر پروردگار کا حکم ہوا ہے، پروردگار کا حکم ہوا، اور ایک جانور جو ہے وہ کھیلتے ہوئے ایک ہرن کو لایا، اور وہ ہرن جو ہے دروازے پہ ایک مسجد تھی، اور آنے کے بعد فصیح زبان سے کہا کہ یہ ایک بچہ ہے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں یہ دیر ہے۔ اور تھوڑی دیر میں امام حسین آئے، جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اسلام نے اس بچے کو امام حسین کو دے دیا، یعنی پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا، یعنی پروردگار نے جو حکم دیا جانور جو یہاں تک ہے، پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اسی لیے تمام اختیارات جو ہے پروردگار نے امام حسین کو دے دیا، یعنی جو کچھ بھی امام حسین کے پاس تھا، یعنی جو مدینے سے لے کر چلے تھے جو کچھ بھی امام حسین کے پاس تھا، امام حسین نے سب پروردگار کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اب جو پروردگار کے پاس تھا تمام اختیارات جو ہے امام حسین کو دے دیا، اب جس کی چاہے شفاعت کر دے، جس کو چاہے وہ جنت میں چلا جائے، جس کے چاہے گناہوں کو معاف کرا دے، تمام اختیارات۔ ایسا ہی جب مسئلہ چلا کہ لوگوں نے سوال کیا ہے، تعجب کیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار تمام اپنے اختیارات کو حسین کو دے دے ہیں، لوگوں نے سوال کیا، اور مختلف ملتا ہے کہ علامہ حلمی سے بھی لوگوں نے سوال کیا، ایک بزرگ عالم تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام اختیارات پروردگار حسین ابن علی کو دے دے۔ تو جب یہ سوال ہوا تو لوگوں نے جواب دیا، اب جواب جو ہے بہت سادہ ہے، اور اس کے بعد رب کے وسائط کہ جب سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو ہے جنگل میں نکلا شکار کرنے کے لیے، اور جب جنگل میں نکلا تو پھر اس کے بعد جو ہے بہت دور چلا گیا، اور اسے جو ہے شدید پیاس لگی لیکن کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اب جب دور دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ جھوپڑی ہے۔ اب یہ بادشاہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے شدید پیاس لگی ہے، تمہارے پاس پانی ہے تو پلا دو۔ تو زیفہ نے کہا کہ ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے، صرف جو ہے ایک بکری ہے، اگر کہو تو میں دودھ پلا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ دودھ پلا دو۔ اب وہ جو ہے بادشاہ دودھ پیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہے، اگر کچھ ہے تو کھلا دو۔ زیفہ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ایک بکری، اگر کہو تو پھر ذبح کر کے ہم تمہیں گوشت کھلا دیں۔ اور آخر کار بادشاہ نے کہا اور گوشت کھلا دیا۔ اب جب بادشاہ جانے لگا تو نشانی کے طور پہ اس نے اپنی انگوٹھی دے دی کہ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ہمارے پاس آنا، اور یہ نشانی کے طور پہ ہے، لوگوں سے پوچھ لینا لوگ بتا دیں گے، اور ہمارے پاس آنا اور جس چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہیں دیں گے۔ اب چند روز کے بعد جو ہے یہ زیفہ اسی انگوٹھی کے ذریعے نشان پوچھتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب بادشاہ نے لوگوں سے سوال کیا، بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا، تمام جو ہے دربار میں موجود تھے، ہر ایک سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اب اس وقت اس زیفہ کو ہمیں کیا دینا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ جو ہے مثلا جو ہے کچھ زمین لکھ دے اس کے نام، مکان دے دے، کسی نے کہا کہ اتنے ہزار درہم دے دے، کسی نے کہا دینار دے دے، کسی نے کہا اپنے اپنے حساب کے مطابق جو ہے ہر ایک نے بتایا کہ یہ چیز دے دے وہ چیز دے دے۔ لیکن ایک بوڑھا شخص تھا وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ سب نے جو ہے اپنے حساب سے بتایا لیکن تم کیوں خاموش ہو، یعنی تم بھی کچھ بتاؤ۔ تو وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب انصاف تو یہی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے آپ کو دے دیا، اب انصاف تو یہی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہو اسے دے دیجئے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، دیا نہیں۔ تو اب آپ دیکھو معلوم یہ ہوا کہ حسین ابن علی کے پاس جو کچھ بھی تھا پروردگار کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اب تمام اختیارات جو ہے پروردگار نے حسین ابن علی کو دے دیا۔ ہاں عزیزان محترم، حسین ابن علی کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے غیر قوم کے لوگ جو سنتے ہیں انہوں بھی احساس ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کی عظمت ہے۔ کوئی جو ہے مثلا جو ہے تاریخی واقعہ نہیں، بس رب کے مسائل کے لیے کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ ہاں بزرگ علماء سے ہم نے سنا ہے، اور جانتے ہیں آپ حضرات ہیں نا کلکتہ شہر کا واقعہ، کہ اسی ایام میں محرم میں جلوس نکلتا ہے۔ تو ایک روز جلوس نکل رہا تھا، 1970 کی بات ہے، 1970 بہت پرانا بھی نہیں،
1970 की बात है, उस वक्त जो है क्या हालात थे वहाँ के, है ना, बसों भी जानते हैं और आप भी बेहतर जानते हैं क्या हालात थे उस वक्त 1970 में। तो उस वक्त इसी अयाम में एक जुलूस निकल रहा था और लोग, जाहिर सी बात है कि लोग जो है खड़े हो जाते हैं, हर कौम के लोग आते हैं, देखते हैं, राह में खड़े हो जाते हैं कि इज़हार होता है और बाकी जो है जो चाहने वाले होते हैं वो जुलूस लेकर आगे बढ़ते हैं, मातम करते हैं, नवा पढ़ते हैं, झुंझुना वगैरह था, शबी वगैरह थी। तो लोगों ने क्या देखा कि एक औरत गैर मजहब से एक औरत है, वो जो है एक बच्चे को, यानी तकरीबन जो है 3 माह या 4 माह का बच्चा रहा होगा और सबको मालूम है कि वो कौम जो है मसलन जो है दूध या पानी लेकर आते हैं और आने के बाद झुंझुना के कदमों पर गिराते हैं, ताजिया के नीचे पानी गिराते हैं या दूध गिराते हैं। तो वो खातून जो है करीब आई, अब वो चाह रही थी कि झुंझुना के करीब जाए, तो लोगों ने रोका, कहा क्या बात है, कहा कि हमारी मन्नत ये है कि हम झुंझुना के नीचे इस बच्चे को लुटाएंगे। अब लोगों ने कहा कि एक तो ये जानवर है, यहाँ के हालात उस वक्त जो ऐसे थे, कहा कि ये नहीं हो सकता, आखिर बात क्या है। उसने कहा कि हमारी मन्नत है। तो लोगों ने सवाल किया कि तुम्हारी क्या मन्नत है, कहा कि हमारी शादी हुई, एक जमाना हो गया लेकिन जो है औलाद नहीं हुई, लिहाजा एक रोज हम खड़े थे इसी अय्याम में यानी मुहर्रम में, हमने देखा कि लोग जो है झुंझुना को चूम रहे हैं, तो हमने दिल में कहा कि वाकई इसका जो है जो सवारी रहा होगा वो जो है बहुत बलद रहा होगा। तो उसी वक्त हमने मन्नत मान लिया, उसी वक्त कहा झुंझुना से मन्नत मान लिया, यानी अपनी जबान में घोड़ा कहा, घोड़े से मन्नत मान लिया कि अगर अगले साल हम साहिब औलाद हो गए तो हम औलाद को ला कर आपके कदमों में लिटा देंगे, लिहाजा हमारी मन्नत है। अब लोगों ने इजाजत दी, अब ये खातून जो है आई और आने के बाद दूध को झुंझुना के कदमों से गिराया और गिराने के बाद दूध जो है खुद भी बालों में भरा और बच्चे के जिस्म भी भरा। अब आप देखें, उसने ये कहा कि हमने सुना था, जब लोगों ने सवाल किया दूध क्यों लेकर आई, उसने कहा कि हमने सुना है कि इमाम हुसैन का एक बेटा था, 6 माह का था और उसे दूध नहीं मिला, लिहाजा मैं दूध लेकर आई। अल्लाह ने मुतरब गैर कौम की माँ अगर वो सुनती है तो उसके दिल में जो है इस कदर बेकरारी है, काश कि कोई वो बाप के दिल से पूछे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदाए सहासा बुलंद किया और अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिराया, इमाम हुसैन आए और आने के बाद सवाल करते हैं कि बहन जैनब क्या कोई बच्चा प्यास से तड़प कर मर गया। शहजादी ने कहा भैया नहीं, जब से आपने सदा इस दहासा बुलंद किया है अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। इमाम हुसैन लेते हैं और लेने के बाद मक्तल में आए और जब मक्तल में आए कहा जालिमो अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने पानी लेकर हुसैन खुद पी लेगा तो लो मैं इसे जमीन पर लिटा देता हूँ। आखिर में इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल तुम हुज्जत खुदा को पोते, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान अपनी ओठों पे फेरना शुरू किया और उन्होंने साहब ने कहा आयना आयना हुरमुला यख्ता कलाम अल हुसैन, हुरमुला का तीर चला, अली असगर का गला छिदा, मजलूम हुसैन का बासु छिदा। ये आजादारों अब इमाम हुसैन को 3 काम करने थे, पहला काम ये करना था कि तीर को निकालना था, दूसरा काम ये करना था कि अली असगर को रुबाब को दिखाना था, तीसरा काम ये करना था कि नन्ही सी कब्र बनाकर अली असगर को दफन करना था। ये पहला शहीद है इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया और तीनों काम इमाम हुसैन ने किया, यानी तीर को भी निकाला। अब आप तस्वीर करें कि दो हाथ उसको बच्चा, फिर एक हाथ से तीर निकाला और निकालने के बाद रुबाब को भी दिखाया। अब आप सोचिए कि जब रुबाब ने देखा होगा, देखिए हर माँ जो है औलाद से बहुत मोहब्बत करती है और औलाद के मामले में चाहे माँ कितना ही शरीफ क्यों ना हो, औलाद के मामले में माँ जज्बाती हो जाती है। अगर जो है बाप वादा करे बेटा से कि बेटा हम ये तुम्हें ये चीज दिलाएंगे और बेटा अगर बार बार सवाल करे तो बाप कभी कहता है कि बेटा आज नहीं कल दिला देंगे, आज नहीं कल दिला देंगे, आज नहीं कल दिला देंगे, तो आखिरकार माँ जो है जज्बाती हो जाती है कि आप जो है वादा कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें कि जब इमाम हुसैन अली असगर को गोद में लेकर आए और कहा रुबाब में अपने बच्चे को ले जाओ, तो जनाब रुबाब ने एक फितरा कहा, कहा मेरे लाल असगर क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं,
اب امام حسین نے کیا کیا؟ ننی سی قبر بنائی اور بنانے کے بعد سپرد لحد کر دیا گیا. لہذا آپ جو ہے تشریح میں جاتے ہیں اور تشریح میں جاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کو زمین پر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے تخت رکھ دیتے ہیں تاکہ مٹی چہرے تک نہ جائے. ہائے علی اصغر، امام حسین نے ننی سی قبر بنائی اور بنانے کے بعد چاند سے چہرے پہ خاک ڈالنے لگے. اب امام حسین چاہتے اٹھنا لیکن یہ بھی مستحب ہے کہ قبر پہ پانی ڈالا جائے، لیکن ہائے پانی کہاں. امام حسین اس قدر رو رہے ہیں کہ قبر علی اصغر آنسوؤں سے تر ہو گیا. ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو ننھی سی قبر ہمیں نہ بنانی پڑتی، چاند سے چہرے پہ خاک نہ ڈالنا پڑتا. سبحان اللہ.